5:30 बजे की पूजा हो चुकी थी, अभी मैं बैठी थी तब तक वो ऑफिस से पहुंचते आके, और मैं सबसे पहले उनका आशीर्वाद लिया मैंने, उसके बाद फिर उन्होंने चाय पानी पीना था, तो मैंने सोचा कि अब इसके बाद चाय पानी पीने के प्लाने के बाद अगली पूजा की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसके बाद चांद की पूजा करने जाना था। घर के 5:30 बजे वाली पूजा मैं कर चुकी थी, जो मुहूर्त था 5:30 का और 7:15 बजे तक का। उसके बाद चांद पूजा की तैयारी हो चुकी थी हमारी, हम दोनों तैयार थे, रेडी थे बिल्कुल चांद की पूजा के लिए। हमने जाना था थोड़ा जहाँ से जल्दी चांद दिखता, क्योंकि मुहूर्त था 8:15 बजे से चांद का, और चतुर्थी तिथि रहनी थी सिर्फ 9:15 बजे तक, 9:22 तक ही चतुर्थी तिथि थी। तो मैंने सोचा क्यों ना चतुर्थी तिथि में ही चांद दिखा जाए, वैसे तो फिर पूरी रात ही चतुर्थी का चांद ही माना जाएगा, क्योंकि जब सुबह से चतुर्थी थी तो वो पानी की बोतल भर के ला रहे थे कि जैसे कि मैंने पूरा पानी पी जाना था बोतल। डॉली को बाय करते, डॉली दादी के पास थी क्योंकि रात का टाइम था, 8 बज चुके थे, और हम चल पड़े गाड़ी में, हमें जाना था बस चांद को ढूंढना था। एक चांद मेरे साथ थे और दूसरे चांद को ढूंढने चले थे फिर हम, क्योंकि हमारे घर के पास थोड़ा लेट चांद निकलता है 10:30 बजे, तो फिर मुझे तो थोड़ा वही होता है कि मैं मुहूर्त को भी थोड़ा देखती हूँ, तो मुहूर्त की वजह से मुझे चांद को ढूंढने जाना पड़ा। वैसे भी हम जाते ही थोड़ा ऊपर जैसे जाते हैं, तो आज भी सोच रहे थे कि देखते हैं जल्दी कहाँ टाइम, क्योंकि टाइम का वो था मेन मुहूर्त का। फिर मेरे हस्बैंड ने सेटिंग कर ली पीछे सामान की, क्योंकि पानी और वो पूजा की थाली थोड़ा ले जाना मुश्किल था, वीडियोग्राफर को तो कैमरा पकड़ना था, ड्राइविंग सीट पे मेरे हस्बैंड बैठे तो उन्हें ड्राइविंग करनी थी, और मुझे भी पूजा की थाली संभाल के ले चलनी थी। तो सेटिंग हो चुकी थी, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, और उसके बाद हम चल पड़े चांद को ढूंढने के लिए, क्योंकि शिमला में चांद 8:07 पे निकलना था। तो हम चल पड़े, हम पूरे 8 बजे यहाँ से चले घर से। तो पहले हम प्लान कर रहे थे कि जब जहाँ जैसे दिखेगा चांद बस वहीं रुक जाएंगे पूजा करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा जंगल बहुत ज्यादा है। तो हमने डिसाइड किया कि हम कोटी रिजॉर्ट चलते हैं, क्योंकि कोटी रिजॉर्ट भी शिमला का वन ऑफ द फेमस रिजॉर्ट है, तो वो हमारे घर से सिर्फ 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। हम वहाँ पहुँच गए और अभी वेट कर रहे थे गाड़ी में बैठ के, फिर हमने सोचा कि हम बाहर ही निकलते हैं गाड़ी से। तो हम बाहर निकल गए और बाहर का व्यू कुछ इस तरह से था कि सारे में लाइटें दिख रही थी। तो मेरी हमारी गाड़ी की चाबी अंदर ही रह गई थी, तो गाड़ी को बंद करते तो ऐसा नहीं कि लॉक हो जाता। तो फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि चाबी तो आप बाहर ही निकाल लीजिए, उन्होंने चाबी बाहर निकाल दी गाड़ी से। बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी इस वक्त, तो हम इधर उधर घूमने लगे थोड़ी देर के लिए कि जरा थोड़ा देखते हैं और चांद का इंतजार करते हैं, क्योंकि 8:15 हो चुके थे। तो इधर को शिमला दिख रहा था, मेन शिमला रिज जो है वो यहाँ से दिखता है, और शिमला में सभी रिज पे आए होते हैं इस वक्त चांद देखने, और हम उस प्लेस पे थे उस वक्त जहाँ से शिमला बिल्कुल सामने दिख रहा था, और जहाँ पे इस वक्त लोग बहुत ज्यादा खड़े होंगे चांद के इंतजार में। पर जो चांद दिखना था हम उस जगह पे खड़े थे कि जहाँ से सबसे पहले चांद दिखना था, उस तरफ शिमला था और उस तरफ मेरे चांद निकलने वाले थे। तो वही चांद शिमला में भी दिखना था, वो जो लाइट दिख रही है वो शाली टिब्बा मंदिर है, तो बिल्कुल उसके साथ ही चांद निकलना है। चांद ने दर्शन दे दिए हैं, अब मेरी पूजा शुरू हो चुकी है जिस हिसाब से टाइमिंग दी गई थी चांद की, कि 8:07 पे चांद निकलना है। तो चांद 8:40 पे निकलना शुरू हुआ, थोड़ा लेट हो गया चांद। चांद ने भी सोचा कि थोड़ा इंतजार करवा लेते हैं, इतना भी क्या जल्दी है, क्योंकि हम चांद को ढूंढते कोटी रिजॉर्ट तक पहुंच गए थे। चांद भी अपने धीरे धीरे, जिस तरह मेरा दीपक जल रहा था धीरे धीरे, उसी तरह चांद भी धीरे धीरे दर्शन दे रहे थे। मैंने धूप दीप जला लिया और उसके बाद चांद की पूजा करने लगी। चंद्रमा जी दर्शन दे रहे थे, साथ साथ में पूजा हो रही थी। जैसे मैंने धूप दीप जलाया चंद्रमा जी भी सामने पूरे आ चुके थे, साथ में शाली टिब्बा मंदिर भी है जो बहुत ऊंचाई पे है। तो एक चांद मेरे साथ थे और एक चांद थोड़ा दूर थे, तो मैंने दोनों चांद को एक साथ देखा छन्नी के अंदर से। तो चांद पूरे आ चुके थे सामने। जय हो चंद्रमा जी। ये चौथ का चांद है जो हमेशा हर साल हमें दर्शन देते हैं इस दिन पे, चौथ के दिन हमें दर्शन देते हैं, जो हर एक सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती है, जिसे करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। तो सब ने इस वक्त चांद का दीदार कर लिया होगा, चांद के दर्शन कर लिए होंगे। ये वो पॉइंट था जहाँ सबसे पहले चांद दर्शन देते हैं, पहाड़ी के पीछे से, और यही चांद इस वक्त रिज पे भी सामने दिख रहा होना उसी वक्त। तो ये वाली जगह बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, जहाँ से चारों दिशाएं एक बराबर दिखती है। मैंने चांद को जल दिया, अर्घ्य दिया। इस वक्त फुल मून ऊपर चढ़ चुका था आसमान में। मैंने अपने चांद की भी पूजा की। मेरी पूजा इस तरह से हुई है, आप लोगों की भी पूजा हुई होगी तो आप लोगों ने भी इसी तरह दर्शन किए होंगे चांद के। तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा जरूर आप लोग भी कि आप लोग किस तरह से पूजा करते हो। सारी पूजा करने के बाद मैंने अपने पति देव के चरण स्पर्श किए, चांद के पैर छुए, फिर आती है उसके बाद
मेरे व्रत खोलने की बारी। उससे पहले हमें दीपक को चांद के लिए वहीं पे लगाना था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी जगह बनाई अच्छी सी ताकि हम दीपक को अच्छे से सेट कर सके। पहले सोच रहे उधर रखें, फिर सोचा इधर ही रखते हैं सामने जहाँ से चांद के लिए दिखाई देंगे दीपक। चांद के लिए धूप दीप लगा दिया। अब मेरी पूजा हो चुकी थी, बस मुझे तो चांद को देखते रहने का मन कर रहा था कि मैं चांद को देखे जाऊँ। मेरी बारी आती है पानी पीने की, व्रत खोलने की। हम अपने हाथों से मुझे पानी पिलाते हैं और मेरा व्रत खुलवाते हैं। तो यही एक रीत है, यही एक रिवाज है कि करवा चौथ पे सभी सुहागन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती है, बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए पिए। फिर उनकी शाम को चांद की पूजा और अपने पति की पूजा के बाद वो अपने हाथों से, उनके पति अपने हाथों से ही उनका व्रत खुलवाते हैं। तो ये व्रत पति पत्नी के प्यार की निशानी है और यही ये साल में एक त्योहार ऐसा होना चाहिए जो पति पत्नी के लिए हो स्पेशल। तो वो रीत चलती आ रही है और चलती ही रहेगी। तो हम वापस घर के लिए चल पड़े। मन को थोड़ी वो हो गई कि अच्छे से चांद के दर्शन कर लिए, बहुत अच्छी जगह पे। बस रास्ता थोड़ा तंग है, सिंगल रोड है, सिर्फ एक गाड़ी आसानी से ही निकल सकती है यहाँ पे। हम घर पहुँच गए, डुगली और डुगली का बच्चा हमारे स्वागत के लिए खड़े थे। वो तो सोच रही थी कि जैसे पता नहीं हम कहाँ से घूम के आ रहे हैं इस वक्त। फिर डुगली को भी कुछ चाहिए था खाने के लिए, तो फिर सबसे पहले मैं और अंदर से उनको मैंने कहा डुगली को कि मैं अभी लेके आती हूँ कुछ तुम्हारे को खाने के लिए, सबसे पहले तुम्हारे को ही देती हूँ खाने को। डॉली और डॉली के दादी बैठे हुए थे, फिर मैंने उनको भी भोग दिया प्रसाद। डुगली और डुगली का बच्चा आराम से दरवाजे के पास इंतजार में थे कि कब जैसे खाने को ला रहे हमारे को, जब बेचारे इतने इंतजार में। डुगली ने तो एकदम कैच किया है मुंह में, सिर्फ जाके सीधा उसको देने लगी। तो मेरा वीडियोग्राफर बोले नहीं हाथ में, हाथ से मत दो, कहीं ऐसा नहीं काट दे। फिर मैंने उसको नीचे ही छोड़ा और डॉली ने भी उसको चपाती दी खाने के लिए, और उसको चपाती दी, वो अपनी माँ की चपाती को खाने लगा, अपनी छोड़ के, अपनी वहीं छोड़ के वो उसका बच्चा दौड़ के उसकी अपनी माँ की चपाती खाने लग गया। फिर दोनों ने चपाती खा ली बैठ के, फिर हम सब अंदर आ गए। अब थी डिनर की तैयारी। तो आज था करवा चौथ का त्योहार जो मैंने अपनी पत्नी के साथ मनाया। तो करवा चौथ की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो अब जाके मैंने हम चांद देख के आ गए, 8:40 पे मैंने चांद देखा। और चांद की पूजा करने के लिए हम बहुत दूर तक गए, चांद के पास तो नहीं पहुंचे और चांद के नीचे तक, मतलब वहाँ जहाँ से शाली टिब्बा दिखता है हमारे बिल्कुल घर के यहाँ ऊपर कोटी रिजॉर्ट से, वहाँ जाके आए हम, वहाँ से चांद देखा। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा आपको मेरा ब्लॉग लगा, और आप लोग कैसे करते हो आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है। तो मैं तो ये कि दिन की पूजा घर में की और शाम की पूजा चांद के पास करी और पति के पैर छुके, उनको चांद की तरह, उनको भी चढ़नी में मुंह देख के तो सब देखा ही होगा आप लोगों ने ब्लॉग में। तो बताइएगा कैसा लगा।